बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बच्चों चैनल। आज जो है वो बनाएंगे हम भिंडियाँ। अभी तो मैंने शॉपर से निकाली हैं, इनको मैं ज़रा भिगूंगी पहले, उसके बाद फिर इसको धोऊंगी। भीगने से होता है कि सब्ज़ी ज़रा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है और दिल मुतमईन हो जाता है। तो चलिए जी, अब भिंडी बनाएंगे हम आज, और हम बनाएंगे आज प्याज भिंडी। प्याज वाली जो भिंडी होती है अक्सर लोग बनाते हैं, शोरबे वाली बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे प्याज मसाले वाली भी बनती हैं। काफ़ी तरीके से भिंडियां बनती हैं, लेकिन मैं आज आपको अपना तरीका शेयर करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम इनको भिगो देंगे, ठीक है जी। देखिए मैंने भिगो दी थी भिंडियाँ, अब इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। देखें, फिर मैंने इसको तश्रे में रख दिया है कि इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, प्याज पड़ेगी इतनी, चार प्याज़ें डाल रही हूँ मैं भिंडियों में, तकरीबन एक किलो भिंडी है ये। भिंडियाँ मैंने शुरू कर दी हैं कटिंग करना। ऑयल हो गया है गरम, पतीले में ऑयल रखा है, मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा ज़रा ज़ीरा पक जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ। ज़ीरा पक गया था, जो मैंने इसमें प्याज डाली है, प्याज को मैं अब अधकच्ची पकाऊंगी। प्याज को थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर भिंडियाँ डालूंगी। भिंडियाँ डालूंगी और मैं आलू भी डालूंगी, इसलिए कि बच्चे अगर नहीं खाएं तो चलो एक ऑप्शन और है कि इसमें आलू भी है, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ आलू, ज़रूरी नहीं कि आप लोग डालें। अब इसमें भिंडी डालेंगे, भिंडी डाल दी है, और साथ ही मैं इसके आलू और हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग करके रखी थी वो भी डाल दी। कुटी हुई मिर्चें हैं, मैंने भिंडी के हिसाब से मिर्चें ली हैं, और नमक, बस। अब इसको पहले मैं ऊपर नीचे करके चलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ये देखिए भिंडी और आलू बिल्कुल तैयार हैं, पक्के बहुत मज़े के बने हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।